वेलकम टू शुभम टेक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप ई पास के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना है जो कि है rahat.up.nic.in। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जैसे आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर लिखा होगा ई पास। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप इस वेबसाइट को कंप्यूटर पर ही खोलें। मोबाइल पर भी ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, बट मोबाइल पर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे, आपको ई पास पे क्लिक करना है, या तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या यहाँ क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन आगे भरने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको दो चीज की आवश्यकता होगी स्कैंड चीज की। एक तो आपका फोटो और एक आपका एक आईडी प्रूफ जो कि स्कैन होना चाहिए, आपको अपलोड करना है। आप चाहें तो वो आईडी प्रूफ और अपना फोटो अपने मोबाइल से क्लिक करके वो अपलोड कर सकते हैं। ओके, जैसे आप ई पास पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा ऑप्शन अप्लाई ई पास, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर और एक कैप्चा कोड फिल करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे तो यहाँ आपको कुछ अपनी बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस। अब यहाँ आएगा पास एरिया कि आप कहाँ का पास चाहते हैं, विद इन डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में इधर से उधर जाना चाहते हैं, उसके लिए अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं, लखनऊ से कानपुर जाना चाहते हैं। देन अदर स्टेट, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हरियाणा दिल्ली जाना चाहते हैं, उसके लिए। तो मुझे अभी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, इसलिए मैं अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट चूज करूंगा। ओके, अब यहाँ ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एप्लीकेंट। अब अभी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपको वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और टू डिस्ट्रिक्ट, आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा पास फॉर सेल्फ या ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप सेल्फ क्लिक करिएगा। फिर यहाँ सर्विस टाइप आएगा कि किस लिए आपको पास चाहिए, स्वास्थ्य सेवा, अदालती कार्य हेतु, आपातकालीन कार्य हेतु। तो जो भी आपका कार्य है वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ मेरा ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा। अब यहाँ आएगा सर्विस डिस्क्रिप्शन कि आप जाना क्यों चाहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि हेल्थ इशू की वजह से मैं जा रहा हूँ। अब प्लेस ऑफ विजिट, आपको पूरा एड्रेस लिखना है कि जहाँ आप जाना चाहते हैं। जैसे मुझे आगरा जाना है तो आगरा मुझे कहाँ जाना है वो लिखना है। देन यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ टाइप लिखना है। मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करूंगा, इसलिए मैं आधार कार्ड यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद क्या है कि यहाँ आपको अपनी आईडी अपलोड करनी होगी जो कि 200 KB से इसका साइज कम होना चाहिए। मैंने यहाँ आधार कार्ड लिखा है, इसलिए मैं अपना आधार कार्ड ही फिल करूंगा। ओके, और यहाँ अगला ऑप्शन है एप्लीकेंट फोटो। आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं, यानी कार वगैरह इन सब से आ रहे हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कार से आ रहा हूँ, तो CAR मैं कार लिख दूंगा, तो मैं CAR कार लिख दूंगा, उसका व्हीकल नंबर लिख दूंगा। देन मुझे यहाँ क्लिक करना है आई वी डिक्लेयर डेट ऑल दी अबव इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ ऑप्शन आएगा सबमिट। ओके, तो ये सबमिट पर क्लिक कर देंगे, आपका पास अप्लाई हो जाएगा और आपके मोबाइल पर SMS भी आ जाएगा कि आपका पास अप्लाई हो चुका है। अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के आदमी हो, एडमिनिस्ट्रेशन के जो आदमी होंगे, जो जिनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, वो आपका नाम वहां पर उनकी लॉगिन आईडी पासवर्ड पे आ जाएगा। जैसे वो आपका पास अलाउ कर देंगे, आपके मोबाइल पर एक लिंक आ जाएगी, उससे आप अपना अपना जो ई पास है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।